बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स, थर्ड टॉपिक दैट इज़ मॉलिक्यूल। वी विल डिफाइन व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रख सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, अ सिंगल हाइड्रोजन ये जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और एज ए रिजल्ट H2 मॉलिक्यूल बनेगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अरेज होता है कि वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। उसका ये आंसर है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और एवरीथिंग इन यूनिवर्स वांट्स टू बिकम स्टेबल, कि हर चीज़ कायनात में चाहती है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा? जब उनकी लोअर एनर्जी होगी। कोई भी चीज़ जिसकी लोअर एनर्जी होगी वो स्टेबल कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे पढ़ा हाइड्रोजन गैस को कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में हाईली रिएक्टिव होता है, ये दूसरे हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये अनस्टेबल हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करके H2 स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे और इसकी एनर्जी भी लोअर हो जाएगी और ये स्टेबल होगा और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा। किड्स, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल क्या होता है। कोई भी एटम जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हों वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। कोई भी एटम है वो चाहता है कि उसके बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, जिसको जो हम कहते हैं, उसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो और वो टू गेन स्टेबिलिटी गेन कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेंगे और एज ए रिजल्ट H2O मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं एग्जांपल की मदद से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है, 8O16, जबकि हाइड्रोजन का 1H1 यानी 1 एटॉमिक मास और 1 एटॉमिक नंबर है इसका। तो ऑक्सीजन के जो केल शेल है, पहले शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बैर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस दो के साथ मिला के यानी 8 मुकम्मल होते हैं। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हाइड्रोजन के बैर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन दे के शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह वो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन से शेयर करके ये बॉन्ड बनाएगा, H2O बनाएगा। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी एटम जिसके बैर वाले शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे के बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने को तरजीह देगा, जबकि कोई भी एटम जिसके बैर वाले शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएगा। इस तरह इस केस में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल करेगा और बॉन्ड बनाएगा। इस तरह हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिसिटी के बारे में कि एटॉमिसिटी क्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट इज़ नोन एज एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की जितनी तादाद होती है वो इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होकर वाटर बनाएगा और इस तरह 2 और 1, 3, इस तरह वाटर की जो एटॉमिसिटी होगी वो 3 होगी। जबकि दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन
मौजूद हैं जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनाए, तो 6 जमा 12 18 जमा 6 24, यानी जो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी होगी वो 24 होगी। एटम्स की बेस पे कोई भी मॉलिक्यूल जिस जो एक एटम पर मुश्तमिल हो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जितनी भी नोबल गैसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, एक्स्ट्रा, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं। जबकि कोई भी मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको डाईटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे H2 यानी दो एटम पर मुश्तमिल है, N2 दो एटम पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन O2 ये भी दो एटम्स पर मुश्तमिल है, और ये डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होता है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। जैसे H2O यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तीन एटम्स पर मुश्तमिल है, इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसको हम एक और डिफाइन भी कर सकते हैं इसमें कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन टू एटम्स आर आल्सो नोन एज पोलो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंटेन करता है वो पॉली, उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मॉलिक्यूल्स की ऑन द टू बेसिस, वन इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल दो तरह से होगी, एक होगा माइक्रो मॉलिक्यूल, सेकंड वन होगा मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स स्मॉलर, मैक्रो मीन्स लार्जर। दोज मॉलिक्यूल्स हुज साइज इज स्मॉलर दैट इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल, एंड दोज मॉलिक्यूल्स हुज साइज इज लार्जर दैट इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? ओके। सेकेंडली माइक्रो मॉलिक्यूल्स विल हैव लेस एटॉमिसिटी वाइल मैक्रो मॉलिक्यूल्स विल हैव लार्जर एटॉमिसिटी, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो कम तादाद में होंगे क्योंकि उनका स्मॉलर साइज होता है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 दो हाइड्रोजन है, स्मॉलर साइज है, लेस एटॉमिसिटी है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। इसी तरह H2O तीन एटम पर मुश्तमिल है, स्मॉलर साइज है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की सेकंड एग्जाम्पल है। इसी तरह CH4 मीथेन ये भी स्मॉलर साइज और लेस एटॉमिसिटी होने की वजह से इसको भी हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जिसका साइज स्मॉल हो और लेस एटॉमिसिटी रखता हो वो उस माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल प्रोटीन, हेमोग्लोबिन वगैरह ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से क्योंकि इनके लार्जर साइज होता है, सेकंडली इनकी एटॉमिसिटी लार्जर होती है, इन एटम्स की तादाद इसमें ज़्यादा होती है। अब हेमोग्लोबिन ये फाउंड इन ब्लड, ब्लड में पाया जाता है। इसका फंक्शन जो है इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारी मदद करता है ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन में लंग से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने में। हेमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होती है जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। सेकंडली हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इज हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, हाइड्रो मीन्स डिफरेंट, यानी दोज मॉलिक्यूल्स विच आर या विच कंसिस्ट सेम टाइप्स ऑफ एटम्स दैट इज नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल H2 यानी H2 वन हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन will combine to form H2 gas. This is example of, it is the example of homo atomic molecule. O2 sulfur oxygen ये जो हैं homo atomic molecules की examples हैं। जबकि hetero atomic molecules those molecules which contain different types of atoms that is known as hetero
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल HCl. इन दिस केस वन हाइड्रोजन सेकंड एटम इज क्लोरीन. दे आर डिफरेंट विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल HCl. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. सेकंड एग्जांपल इज H2O. टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, बोथ आर डिफरेंट एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. थर्ड एग्जांपल इज CH4 methane, one carbon and four hydrogens, which are different from each other, which are present carbon and hydrogen in a molecule. That's why it is also known as a heteroatomic molecule. अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.